Good morning, students. Today we are going to study class 11th Computer Science, chapter 1 Computer System. So, let us start, students. Our first part is Introduction to Computer System. A computer is an electronic device that can be programmed to accept data, process it, and generate result output. तो एक कंप्यूटर क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन बी प्रोग्राम उसको हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं प्रोग्राम करेंगे क्या मतलब है हम लोग इसको आगे देखेंगे टू एक्सेप्ट डेटा तो प्रोग्राम कर देते हैं तो ये क्या कर सकता है एक डेटा को एक्सेप्ट कर सकता जिसे है जिसे कि हम लोग बोलते हैं इनपुट प्रोसेस इट उसको प्रोसेस कर सकता है एंड जनरेट रिजल्ट तो रिजल्ट जनरेट करने को हम लोग बोलते हैं आउटपुट यानी कि मेनली ये थ्री स्टेप्स में है पहला है इनपुट एंड सेकेंड इज प्रोसेस एंड थर्ड इज आउटपुट कंप्यूटर अलॉन्ग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूगेदर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम एक कंप्यूटर एडिशनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ इज नोन कंप्यूटर सिस्टम सिस्टम प्राइमरली कंप्राइज अंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड स्टोरेज डिवाइसेज तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस ठीक है तो ये चार चीजें होती हैं पहला है सीपीयू दूसरा है मेमोरी तीसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइस और चौथा हो सकता है स्टोरेज ठीक है तो ये चार चीजें मेनली हैं अब हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अलग अलग यूनिट्स के रूप में भी देख सकते हैं

लैपटॉप हो सकता है टैबलेट हो सकता है और स्मार्टफोन भी हो सकता है तो कंप्यूटर अलग अलग फॉर्म साइज में आता है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार फिगर 1.1 पॉइंट वन शोज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम द डायरेक्टेड लाइन्स रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा एंड सिग्नल बिटवीन द कॉम्पोरट तो यहां पर आप एक ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम और जर्नलाइज डायग्राम जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स दिए हुए हैं और जो ये लाइंस हैं ये फ्लो ऑफ डेटा और कंट्रोल को दिखाते हैं कि डेटा कहां से कहा जा रहा है कंट्रोल कहां से कहां पर जा रहा है और जो सिग्नल भी हम लोग कह सकते हैं इसको ठीक है तो क्या क्या है इन इन डायग्राम्स का पार्ट पहला जो पार्ट है वो है इनपुट डिवाइस जहां से कि हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और उसके बाद है आउटपुट डिवाइस तो इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाकर प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट डिवाइस के पास जाकर वो रिजल्ट जाता है अगर हम रिजल्ट को परमानेंटली स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो हम सेकेंडरी स्टोरेज में ले जाकर उसको स्टोर कर सकते हैं नाउ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है अगेन अब दो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है वो कौन कौन से हैं दैट इज प्राइमरी मेमोरी कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट तो ये तीन मेन पार्ट्स होते हैं यहाँ पर आपको मैं एग्जैक्टली exactly बात बता दूँ कि जो इनपुट डिवाइस होता है वो एक्चुअली सबसे पहले जो अपना डेटा है वो प्राइमरी मेमोरी में ही जाकर स्टोर कराता है जो भी प्रोसेस होता है फिर आपके जो अदर पार्ट्स हैं वो प्राइमरी मेमोरी से ही डेटा को उठाते हैं फिर रिजल्ट आने के बाद फिर से उसको प्राइमरी मेमोरी में रख देते हैं और फिर वो जो 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 भी डेटा है आउटपुट है वो आउटपुट डिवाइस प्राइमरी मेमोरी से फिर फेच करता है लेकर के जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या चीज है इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड यूजुअली रेफर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर उसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं ठीक है तो जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है वो यहीं पर होती है कहां पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हो रही है इट इज़ इट इज कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर ऑल्सो इसको हम लोग कॉमनली प्रोसेसर भी कहते हैं फिजिकली या सी पी यू कैन बी प्लेसड ऑन वन और मोर माइक्रो चिप्स फिजिकली जो है सी पी यू क्या होता है ये कहाँ पर होता है ये माइक्रोचिप के ऊपर लगा होता है जिससे कि हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट या शॉर्ट में आई सी भी कहते हैं और ये आई सी किस चीज़ की बनी होती है ये आई सी बनी होती है सेमी कंडक्टर मटेरियल की तो माइक्रोचिप्स जो है ये आपका प्रोसेसर है ये माइक्रोचिप्स के रूप में आईसी का बना होता है और आईसी जो है किस चीज की बनी होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम अब सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस और डेटा कैसे मिलता है प्रोग्राम के रूप में मिलता है द सीपी यू देन फेच एज द प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन तो सी पी यू उसके बाद क्या करता है फैच करता है यानी कि लेकर के आता है जो भी प्रोग्राम और डेटा है वो कहाँ से लेकर के आता है फ्रॉम द मेमोरी तो आपने देखा डायरेक्ट इनपुट डिवाइस से वो लेकर के नहीं आ रहा है बल्कि कहाँ से लेकर के आ रहा है मेमोरी से और उसके बाद पर अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो भी उसको कहा जाता है जो भी यूजर इंस्ट्रक्शन देता है करने को एंड एज पर द इंस्ट्रक्शन एंड द द रिजल्ट बैक टू मेमोरी और रिजल्ट को वापस मेमोरी में डाल देता है तो होता क्या चीज है यहां पर यहां एक्चुअली होता यह है कि जो भी आपको इनपुट डिवाइस जो भी दे रहा है वो ये मेमोरी में जाता है इस मेमोरी से ये सीपीयू या एलयू आपको लेते हैं उसको प्रोसेस करते हैं वापस आउटपुट को वो मेमोरी में डाल देता है आउटपुट डिवाइस वापस इस मेमोरी से ही प्राइमरी मेमोरी से उसको रीड करता है सीपीयू स्टोर एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर प्रोसेस करते हुए प्रोसेस करते हुए जो सीपीयू जो भी उसका डेटा रजिस्टर होता है वो काम करने के दौरान जो उसको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है वो उसके लोकल मेमोरी में स्टोर करता है जिसे कि आप लोग बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं रजिस्टर रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ द सी पी यू चिप्स एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर तो रजिस्टर जो है वो सी पी यू चिप के ही पार्ट होते हैं सी पी यू का एक्चुअली में पार्ट है और वो बहुत कम होते हैं साइज में और नंबर में दोनों में ही बहुत कम होते हैं क्योंकि वो बहुत कॉस्टली मेमोरी है फास्ट मेमोरी है डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट तो डेटा भी स्टोर कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए और इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए अलग अलग तरह के रजिस्टर्स का यूज होता है अदर देन द रजिस्टर सीपीयू हैज टू मेन कॉम्पोनेट अर्थमेटिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट सीपीयू में रजिस्टर्स के अलावा दो और कॉम्पोनेट होते हैं अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट ए एल यू परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन तो एल यूर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का क्या है क्या काम है एल यू का एलयू का काम है कि वो सारे अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है एज पर द इंस्ट्रक्शन जैसा कि यूजर ने इंस्ट्रक्शन दिया होता है ध्यान दीजिए कि यूजर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वैसा ही बिल्कुल सीपीयू काम करेगा कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कंट्रोल यूनिट का काम ये चेक करना है कि एक के बाद एक जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो एक के बाद ही एक के बाद उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो आउट ऑफ सीक्वेंस कोई सी, कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना हो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन एंड गाइड्स डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर्स मेमरी इसके अलावा कंट्रोल यूनिट ये भी कंट्रोल करता है कि जो है कहाँ से कहाँ कंप्यूटर के किस पार्ट से सी के किस पार्ट से लेकर के डेटा जो है किस पार्ट के, पार्ट के पास जा रहा है ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना कंट्रोल यूनिट का काम है एल यू एंड इनपुट आर आउटपुट डिवाइसेज तो सब कुछ किस पार्ट से लेकर किस पार्ट तक डेटा जा रहा है सारा चीजें कंट्रोल करने का कंट्रोल यूनिट का है सीपी यू इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू को आम भाषा में माइक्रो प्रोसेसर भी कह देते हैं वी विल स्टडी द मोर अबाउट इट इन सेक्शन वन पॉइंट फाइव डाउन लेटेस्ट स्टडी अबाउट द इनपुट डिवाइसेस

तो इन डेटा का काम क्या है कि जो यूजर अपने इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो तो वो यूजर फॉर्म में दे रहा है ठीक है कंप्यूटर उनको नहीं समझ सकता उन इन को डिजिटल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर देना है यही काम है इनपुट डिवाइसेस का सम एग्जाम्पल ऑफ दीज इनपुट डिवाइसेज इंक्लूड की बोर्ड माउस स्कैनर टच स्क्रीन एक्सेट्रा शोन इन द फिगर वन पॉइंट टू तो कुछ एग्जाम्पल क्या है देखिए आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं जो कि आपके इनपुट डिवाइसेस के आपके एग्ज़ाम्पल हैं हम लोग इसको डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं ये सारे इनपुट डिवाइसेस के एग्ज़ाम्पल हैं जैसे कीबोर्ड हो गया माउस हो गया स्कैनर है टच स्क्रीन है ये सारे अलग अलग तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं स्पेशली डिड ब्रेल की बोर्ड आर ऑल्सो अवेलेबल टू हेल्प दूर है जिनको देखने में प्रॉब्लम है उनके लिए स्पेशली डिजाइंड ब्रेल की बोर्ड भी आते हैं बिसाइड्स वी कैन नाउ एंटर डेटा थ्रू वॉइस फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज गूगल वाइस सर्च टू सर्च द वेब वेयर वी कैन इनपुट द सर्च स्ट्रिंग थ्रू आवर वॉइस तो हम लोग अपने मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज तो जो भी डेटा दे, इनपुट डिवाइस से एंट्री किया जाता है वो सबसे पहले कहां पर जाता है वो मेन मेमोरी में जाता है जिसको कि हम लोग रैम भी कहते हैं ठीक है फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज जबकि परमानेंट स्टोर करने के लिए द एज वेल इंस्ट्रक्शन आर परमानेंटली इन एडिशनल स्टोर अगर हम लोग परमानेंटली स्टोर करना चाह रहे हैं तो डेटा हो चाहे इंस्ट्रक्शन हो चाहे आउटपुट हो उसको हम लोग को एडिशनल स्टोरेज में ही स्टोर करना पड़ेगा जिसे कि हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी आउटपुट डिवाइस नाउ लेट अस स्टडी अबाउट आउटपुट डिवाइस अभी हम लोगों ने यहां पर आउटपुट डिवाइस के कुछ पिक्चर्स देख लिए हैं जैसे कि मॉनिटर डिस्प्ले मॉनिटर है स्पीकर है प्रिंटर है थ्री प्रिंटर है ये सारे आउटपुट डिवाइसेस के पिक्चर्स हैं हमारे पास ठीक है अब हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं द डिवाइसेज दैट रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर्म फॉर डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन एक्सेट्रा इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस तो वो डिवाइसेज जो कंप्यूटर सिस्टम से जिनको डेटा मिलता है यूजर्स नहीं, नहीं मिल रहा है उनको कंप्यूटर सिस्टम से डेटा मिल रहा है और यूजर को डिस्प्ले कर रहे हैं आउटपुट को उन लोगों को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस इट कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्म इसका काम है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन को ह्यूमन अंडस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर प्रोजेक्टर हेडफोन स्पीकर प्रिंटर एक्सेट्रा आउटपुट फिगर में आउटपुट डिवाइस को देख लिया है अब इज यूजफुल फॉर usually चैलेंज पर्सन Usually चैलेंज पर्सन जैसे कि ब्रेल कीबोर्ड था वैसे ही ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर भी है इसमें कि text जो है वो किसी और पैटर्न में उभर करके सामने आ जाता है प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू गेट आउटपुट इन फिजिकल और हार्ड कॉपी फॉर्म ठीक है तो प्रिंटर एक सबसे कॉमनली यूज डिवाइस होता है ताकि हम किसी भी आउटपुट हार्ड कॉपी में लेकर के आ जाए थ्री टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर इंक जेट लेजर जेट एंड डॉटमेट्रिक्स जो तीन तरह के मेन जो यूज होते हैं प्रिंटर्स वो कौन कौन से हैं इंक जेट लेजर जेट एंड डॉट मैट्रिक्स डेज़ देयर इज ए न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर कॉल्ड थ्री डी प्रिंटर आजकल एक नए टाइप का प्रिंटर भी यूज हो रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग थ्री डी प्रिंटर विच इज यूज टू बिल्ड फिजिकल रेप्लिका ऑफ डिजिटल थ्री डी डिजाइन जिसका कि इस्तेमाल होता है डिजिटल रेप्लिका बनाने में नकल बनाने में थ्री डी डिजाइन की थ्री डी प्रिंटर के रूप में ठीक है कोई बड़े बड़ा सा मॉडल बनाना है तो उससे पहले हम उसका छोटा एक थ्री डी प्रिंट करके बना सकते हैं उसको स्टडी कर सकते हैं इस तरीके से उसका यूजफुल होता है दीज प्रिंटर्स बीज इन मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू क्रिएट प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट इनका मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत यूज यूज होता है ताकि हम लोग प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप्स बना सकें दे आर यूजेज इज ऑल्सो बींग एक्सप्लोर्ड इन द मेडिकल फील्ड मेडिकल फील्ड में भी इनका बहुत यूज है ताकि हम लोग पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग बॉडी ऑर्गन्स हम लोग बॉडी ऑर्गन्स को थ्री डी प्रिंट कर सकें और उनको फिर बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकें लगा सकें जहाँ जरूरत हो, तो यहां तक अभी हम लोगों ने पार्ट वन कवर कर लिया है जिसमें कि हम लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम्स को हम लोग जाना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम नेक्स्ट पार्ट है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फ्रेंड्स